बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मूलियों के अंदर अंडा डालेंगे और मज़ेदार किस्म की रेसिपी तैयार करेंगे। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक मूली ले लेनी है, उसको कद्दूकस कर लेना है और उसके जो पत्ते हैं उनको भी काट लेना है। इसके बाद एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च, एक टीस्पून ज़ीरा, बस ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है कि जो मूलियों का मिक्सचर रेडी हो चुका है, आपने क्या करना है, एक रोटी बेल लेनी है, जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं। जब आपने रोटी बेल लेनी है, इसके बाद ये जो मूलियों का मिक्सचर है ये आपने जो इसके ऊपर डालना शुरू कर देना है। आपने जब मूलियों को कद्दूकस किया था उस वक्त इसको थोड़ी देर के लिए टाइम ज़रूर दीजिएगा ताकि इसके अंदर से जो पानी है वो निकल जाए। अब क्या करना है कि आपने जो है जो दूसरी रोटी बेली होगी वो आपने इसके ऊपर रख कर इसको बंद कर देना, जैसे हम नॉर्मल मूली वाला पराठा बनाते हैं। अब पराठा तो बना लिया है, अब इसमें हमने अंडे का एडिशन कहाँ करनी है। अब अंडे की एडिशन हम यहाँ करेंगे। एक अंडा तोड़कर हमने जो है इस पराठे के अंदर इसको डाल देना है। अब आपने क्या करना है, इसकी जो साइड्स हैं इस तरह से फोल्ड करनी है जैसे मैंने की। वो इसकी वजह ये है कि आपके पास एक तो अंडा बहके नहीं निकलेगा और ऊपर से ही आपकी जो पराठे है उसकी शेप अच्छी आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से जो है वो बंद कर लेना है। अगर आप चाहें तो जो आप इसको जो है दूसरे देसी तरीके से भी आप इसको बंद कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है कि आपने तवा गरम कर देना है और ये जो पराठा आपने बनाया था ये डाल देना और इसको ढक के देना। ढकने की रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर हमने डाला था अंडा, ताकि अंडा जो है वो भाप के अंदर बक जाए। अब क्या करना है कि थोड़ी देर बाद आप जैसे ही देखेंगे नीचे से जो है वो कलर चेंज हुआ है इसका, तब आपने इसको पलट देना है। जैसे ही आप इसको पलटेंगे आपने इसको फिर जो है थोड़ी देर छोड़ देना है इसको पकने के लिए। अब क्या करना है कि जब ये थोड़ी देर पक जाएगा, इसके बाद आपने क्या करना है, तेल डालना है, घी डालना है या मक्खन डालना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद हल्के हल्के साइड से आपने इसको प्रेस करते जाना है और दोनों साइड से जो है इस पराठे को तल लेना है। अब आपने क्या करना है कि जब आप इसको अच्छे तरीके से पराठे को तल लेंगे तो हमारे पास ये जो है वो पराठा रेडी हो चुका है वह सर्विंग के लिए। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप पिज़्ज़ा काटते हैं वैसे ही आपने उसको काटना है, और इसी तरीके से जैसे मैं आपको काट के दिखा रही हूँ आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से काटना है। समटाइम ये होता है कि हम खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं और खाना पकाने के बाद खाने का असल मज़ा जो है वो प्रेजेंटेशन से आता है। तो असल में ये जो है मैं इस पराठे की अच्छी सी प्रेजेंटेशन करी हूँ ताकि जिसके सामने भी रखा जाए पहले तो वो हैरान हो कि मूलियों के अंदर पराठा डाला है। आप यकीन करें इसको खाने से बिल्कुल भी पेट ख़राब नहीं होगा, बल्कि आपको एक यूनिक सा लगेगा टेस्ट। आपको ऐसा लगेगा समटाइम क्या पराठा, अंडे वाला पराठा भी खा रहे हैं, मूली वाला पराठा भी लगेगा। स्टेज पे फाइनली जो है वो सर्विंग के लिए तैयार होगा। एक तो अंडा भी पूरा अंदर से पक गया, ऊपर से हमारा पराठा भी जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है ना। कितनी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। उम्मीद है कि बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।